नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेकपा सरकार जनहित में काज नहीं कहने कहत कांग्रेस से सोम दिन देश भर प्रदर्शन। कांग्रेस रहा धड़ नेकपा के सर्वसत्तावाद आ राजा के अधिनायकवाद नहीं एबाक देवाक दावी। सरकारे गणतंत्र ऊपर प्रहार कर रहा पौडेल के आरोप। संविधान आ सरकार विरोधी शक्ति सब सक्रिय भेल गृहमंत्री थापा के कथन। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 18 गोटे की मृत्यु। सोम दिन और 821 गोटे में कोरोना। आ काठमांडू में आंदोलन कर रहा वही किसान सब वास्तविक किसाने नहीं भेल चीनी मिल मालिक सबक आरोप। अब समाचार विस्तार में। नेपाली कांग्रेस सोम दिन देश भर सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कलक। विरोध प्रदर्शन के लेल कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता देश भर रैली निकालक। राजधानी में सेहो विभिन्न ठाम से रैली निकालल गेल। सरकार भ्रष्टाचार आ अधिनायकवाद दिस आगा बढ़ल कहत कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कलक। कांग्रेस के शीर्ष नेता सब विरोध प्रदर्शन के लेल देशक विभिन्न जिला में पहुँचल छल। सभापति शेर बहादुर देवा मकवानपुर पहुँचल छे। तहिना वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौड़ेल काठमांडू के शांति वाटिका, उपसभापति विमलेन्द्र निधि भक्तपुर, महामंत्री डॉक्टर शशांक कुड़ाला मोरंग, सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत झापा आ सह महामंत्री सुनील बहादुर थापा धनकुटा पहुँचल छे। तहिना उपसभापति पूर्व उपसभापति गोपाल मान श्रेष्ठ काबड़े पलांचुक, पूर्व महामंत्री प्रकाश मान सिंह धनुषा, पूर्व सह महामंत्री अर्जुन नरसिंह केसी कास्की, केंद्रीय सदस्य डॉक्टर राम शरण महत चितवन, पूर्व कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव सप्तरी, युवा नेता गगन थापा कैलाली पहुँचल छे। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देवा नेपाली कांग्रेस रह धड़ नेकपा के सर्वसत्तावाद आ राजा के अधिनायकवाद नहीं अयबाक दावी कलन। नेपाली कांग्रेस मकवानपुर हेटौड़ा में कने विरोध प्रदर्शन में सभापति देवा वर्तमान सरकार सर्वसत्तावाद आन खोजलों पर जनता स्वतंत्र आ लोकतंत्र के लिए लड़ला से ई संभव नहीं रहल बतौलन। ओली सरकारी अकर्मण्यता से सड़क में राजा के पक्ष में नारा लागल कहत राजा घुड़बाक संभावना सेहो नहीं रहल दावी कलन। ओ वर्तमान सरकार के कारण भ्रष्टाचार बलात्कार जेहन घटना बढ़ रहल कहत सर्वसत्तावाद के विरुद्ध में कांग्रेस सड़क में उतरबाक बतौलन। बिना शर्त सहयोग हुन्छ उनीहरूलाई पर्ने सहयोगका लागि हामीले आफ्नो तलबको पनि आधा भाग दियौँ। हामीले दसैँ खर्च पनि हामीसँग सरकारलाई बुझाउँ बाध्य भएर मान्ने बाध्य भयो। त्यसै कारण मैले भनेको थिएँ प्रदेशको लडाइँ मात्रै पुरा पुरा आफ्नो साथ हुन्छ, पुरा पुरा आफ्नो समर्थन हुन्छ। तर उसले त पनि पन्नामा पनि घुस खाने भ्रष्टाचार गर्ने। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा दवाई खरीद में भेल भ्रष्टाचार के झाप तोप क सरकार भ्रष्टाचार के प्रोत्साहन कने कहत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तथ्यांक आई के पुष्टि क देने बतौलन। दिदी बहिनी दाजुभाइहरू भ्रष्टाचार त भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार गरेर कम्युनिस्ट सरकारले यही भन्नुको लागि हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचमा आएका छौँ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले हुन्यो एसियाको सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा उचाइमा पुगेको छ नेपाल भ्रष्टाचारको कारण। त्यसैले हामी त्यो कुरालाई उठाउनको लागि आयौँ। चौथो कारण सर्वसत्तावादको बाटोमा लाग्यो सरकार। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि तनाउमा भएको घटना तपाईँलाई थाहा छ। प्रश्न एउटा पुलको होइन, कैयौँलाई लागेको छ पुलकै एउटा कुरा हो। हाम्रो पालामा बनेका हाम्रो सरकार भएको बेलामा कम्युनिस्ट नेताहरूले पनि पुलको बाटोको उद्घाटन गर्नु, उपभोक्ता समितिले बोलायो, नगरपालिका काङ्ग्रेसले जितेको थियो, काङ्ग्रेसको जितेको नगरपालिकाले बोलायो। कुन पार्टीको नेता जानुमा मुख्य कुरो होइन, पुल उद्घाटन कसले गर्ने त्यो पनि बहसको कुरो होइन।
बहस पुल कसले बनाउने भन्ने हो काङ्ग्रेसले बनाएको थियो, जानुभयो रामचन्द्र पौडेल कौन सा गल्ती गर्नु। तर जबरजस्त निषेधाज्ञा जारी गरेर रोक्ने प्रयत्न गरियो, तर एक दिन प्रयत्न गरे पनि भोलिपल्ट जनताको दबाबले त्यो रोक्न सकिएन। त्यसैले आज म अघिकै वाक्य दोहोऱ्याउन चाहन्छु, प्रश्न रामचन्द्र पौडेलको। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, बागमती प्रदेश संसदीय दल के नेता इंद्र बहादुर बानिया लगायत सरकार जनता के हित में खटल जेवा में समय में अपन स्वार्थ में डुबला से जनता के पक्ष में कांग्रेस सड़क पर उतरल बतौलने। विरोध सभा से पहिने हेटौड़ा के सानो पोखरा चौकी टोली जिला प्रहरी कार्यालय चौक आ फॉरेस्ट्री चौक से रैली निकालल गेल छल। एम्हर नेपाली काङ्ग्रेसके वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रके भावना उपर सरकारे प्रहार कऽ रहल बतौलनि अछि। सरकारके विरोधमे काङ्ग्रेस काठमाडौँमे केने प्रदर्शनके सम्बोधन करैत वरिष्ठ नेता पौडेल लोकतन्त्र उपर सरकारे पहिल प्रहार कयने बतौलनि अछि। लोकतन्त्र उपर प्रहार करयवला सबमे प्रतिगामी तत्व राजावादी दोसर आ विप्लव माओवादी तेसर रहल सेहो ओ बतौलनि अछि। वरिष्ठ नेता पौडेल लोकतान्त्रिक व्यवस्थाके संचालक सब लोकतंत्रवादी नहीं भेला से जनता दुख पाबि रहल बतौलन। लोकतंत्रवादी सब सरकार चलाया रहला से लोकतंत्र संकट में पार खोजल गेल बतौलन। मुदा नेपाली कांग्रेस रह धरि लोकतंत्र के संकट में पार नहीं देवाक वरिष्ठ नेता पौड़ेल बतौलन। इनको दर्शन, इनको सिद्धांत, इनको पृष्ठभूमि नै लोकतन्त्रवादी छैन, अलोकतन्त्रवादी छ, जसले गर्दाखेरिमा आज लोकतन्त्र सङ्कटमा पार्न खोजिँदैछ, सङ्घीयता सङ्कटमा पार्न खोजिँदैछ, र यो समावेशितालाई सङ्कटमा पार्न खोजिँदैछ, गणतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्न खोजिँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेस जबसम्म रहन्छ त्यो हुन दिँदैन। वरिष्ठ नेता पौडेल राजा के निर्दलीय पंचायत में गाछ रोपित काल माथ फोड़ित आयल स्मरण करैत अखन के कम्युनिस्ट सब पुल बनवा जात काल करंक तोड़ देने बतौलन। देश में भ्रष्टाचार असुरक्षा आ पक्षपात बढ़ल से वरिष्ठ नेता पौड़ेल बतौलन। राज्य के पैसा दुरुपयोग कह स्थानीय सरकार आ प्रदेश सरकार के अधिकार छीन कर अपन कार्यकर्ता के पोसवाक काज भेल ओ आरोप लगौलन। सरकार भ्रष्टाचारमा डुब्यो, त्यति मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीका बहुमत नेताले भनिसके यो सरकार नालायकको भ्रष्टाचारी हो भने, त्यही पार्टीको बहुमत नेताले भनिसकेका छन्, उसको पार्टीको सचिवालयका बहुमत नेताले अति भर्खर के छ प्रचण्डको प्रतिवेदन। अखन देश पूर्ण रूप में असफलता दिस जा रहल आ एकर हिसाब आब के चुनाव में जनता संग मांगवाक सेहो वरिष्ठ नेता पौड़ेल बतौलन। ओ नेपाली कांग्रेस से कोनो कमी कमजोरी भेला पर सुधार कक आगा बढ़वाक सेहो स्पष्ट कयलन। नेपाली कांग्रेस के युवा नेता तथा पूर्व मंत्री गगन थापा संसद से भागल सरकार के ठेगान लगाव नेपाली कांग्रेस सड़क पर उतरल बतौलन। कांग्रेस द्वारा धनगढ़ी में कैल गेल विरोध सभा में नेता थापा सरकार के ठेगान लगाव कांग्रेस सड़क पर आयल बतौलन। ओ सरकार के ठेगान नहीं लगाव धरि नेपाली कांग्रेस घर फिरता नहीं हेबाक समेत बतौलन। ओली सरकार इतिहासे के भ्रष्ट भेल कहत नेता थापा निर्मला पंत से निर्जला चौधरी के बलात्कार आ हत्या में संरक्षण करयवला गृहमंत्री बालुआटार के जमीन हड़पयवला अर्थमंत्री आ स्वास्थ्य सामग्री खरीद में कमीशन खायवला स्वास्थ्य मंत्रिये प्रधानमंत्री के प्रिय रहल बतौलन। बनाइएको सरकारलाई ठेगानमा ल्याउनका निम्ति आज काङ्ग्रेस सडकमा आएको छ। अब घर फर्केर जाँदैन, जबसम्म सरकार ठेगानमा आउँदैन तबसम्म काङ्ग्रेस सडकमा आइलाग्छ। सडकमा आउन बाध्य सरकारले बनाएको छ। यो क्रममा उनी हामी सम्पूर्ण सतर्कता अप्नाउँछौँ, तर यो सबैका बावजुद पनि कुनै क्षति हुन्छ भने यसको जिम्मेवारी पनि सरकार आफूले लिनुपर्छ। भ्रष्टाचारक कांड सब प्रधानमंत्री के संरक्षण बिना नहीं भ सकबा कहत कांग्रेस नेता थापा भ्रष्टाचारी खोजा बालुआटार गेला पर
भेट जात सेहो बतौलन। सरकार हवादारी गफ दैत समय बीतौने आरोप लगबैत जनता के पक्ष में कोनो काज कर नहीं सकला से कांग्रेस खबरदारी कर रहल ओ बतौलन। जनता को आकांक्षा प्रति पटक्के पनि यसको संवेदना छैन, व्यक्ति पूजामा लागेको छ, तत्कालै गर्नुपर्ने काम गर्दैन, कहिले पूरा नहुने हवादारी कुरामा देश र जनतालाई झुक्क्याउँछ। हावादारी सरकार मुर्दाबा मुखले भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर भन्छ, भ्रष्टाचार सहन्न पनि भनेर भन्छ, तर वाइड बडी खर्लप्पै खान्छ, सेक्युरिटी प्रेस खर्लप्पै खान्छ, बालवाटारको जग्गा खर्लप्पै खान्छ, यति ग्रुपसँग साँठगाँठ गर्छ। त्यति मात्र होइन, कहिले आजसम्म नेपालमा कसैले नगरेको बजेट भाषण हुनुभन्दा पहिला व्यापारीलाई बोलाएर म राजस्वको दर यसरी तलमाथि गर्दैछु भनेर व्यापारीलाई पोस्ने काम गर्छ। त्यति मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको भ्रष्टाचारको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषी दिने वा सफाई दिने फैसला गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री आफैले अख्तियारको प्रमुख भन्दा पहिला यो निर्दोष भनेर घोषणा गरिदिनुहुन्छ। धनगढ़ी चौराहा रैली सहित शुरू भेल प्रदर्शन पार्क मोड़ में पहुँच कर कौन सभा में परिणत भेल छल। जिला के विभिन्न ठाम से सभा में सहभागी हुआ कांग्रेस नेता तथा समर्थक सब धनगढ़ी पहुँचल छल। सभा के केंद्रीय सदस्य गगन थापा, पूर्व मंत्री राम जनम चौधरी आ धनगढ़ी उपमहानगरपालिका के उप प्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट संबोधन कयने छल। तहिना धनुषा में सेहो नेपाली कांग्रेस विरोध रैली आ सभा कयलक अछि। सोम दिन बेड़िया में जनकपुर धाम स्थित पार्टी कार्यालय से निकलल नेता तथा कार्यकर्ता के जुलूस नगर के विभिन्न स्थान के परिक्रमा करैत नेकपा सरकार विरुद्ध नाराबाजी कयलक अछि। जुलूस रामचौक, शिवचौक, भानुचौक होइत रेलवे स्टेशन में पहुँच कर सभा में परिणत भेल छल। सभा में नेपाली कांग्रेस के नेता सब नेकपा के सरकार असफल भेल, भ्रष्टाचार में व्यस्त रहल, जनहित में काज नहि केने, अधिनायकवाद आना चाहने सहित के आरोप लगौलक अछि। सभा में नेपाली कांग्रेस के पूर्व महामंत्री प्रकाश मान सिंह सरकार संहिता के भावना विपरीत काज करैत आयल आरोप लगौलनि। संसद प्रति पनि यो सरकारले चाहिँ भनौं न आफू चाहिँ तर्सेर गर्नुपर्ने काम नगर्ने, गर्न नहुने काम गर्ने, अनि त्यो चाहिँ आवाज फेरि चाहिँ संसदमा चाहिँ सुन्नु पर्ला गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ संसदै भङ्ग यो चाहिँ स्थगन गरेर राख्नु, यो कतिको बुद्धिमत्तापूर्ण काम यो सरकारले गरेको छ। पार्टीका चाहिँ नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचारबाट नै उहाँको यो भ्रष्टाचार विरुद्धमा यो चाहिँ जुन शून्य सहनशीलता छ भनेर चाहिँ जुन उहाँले बोल्नु भएको छ त्यसमा उहाँको चाहिँ कतिको इमान्दारिताका छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ देखेका छौँ। वर्तमान सरकार जनता के हित में कोनो काज नहीं केने से ओ आरोप लगौलन अछि। वही किसान सब बकेवता रकम पाव नहीं सकल आ किसान सब समय में मल पाव नहीं सकल कहत ओ कोनो क्षेत्र में सरकार निक से काज नहीं केने आरोप लगौलन। यो सबै कुराले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो वर्तमान सरकार यो चाहिँ न किसानको पक्षमा छ। अब मजदुरहरुको कुरा गर्ने हो भने यत्रो कोरोना लागिरहेको छ, यो चाहिँ कामहरू सब ठप्प भइरहेको छ, ये दिनको एक छाक खानालाई धौ धौ परिरहेको छ, मुस्किल भइरहेको छ। यो सरकारले के त्यस्तो चाहिँ यो भनौँ न रिलिफ प्याकेजहरू भन्छ नि हामीहरूले उधार गर्नुको लागि सरकारसँग ढुकुटीमा चाहिँ त्यत्रो पैसा छ त्यसलाई यो जुन भनौँ न सङ्कट पैदा भइरहेको बेलामा यो चाहिँ मजदुर गरेर खानेहरूलाई यो सरकारले के त्यस्तो चाहिँ ढुकुटीबाट यो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ दिएको छ। रैली में सहभागी नेपाली कांग्रेस के नेता बजरंग प्रसाद शाह, धीरेन्द्र मोहन झा, सुरेश कोइराला सहित के नेता सब सेहो वर्तमान सरकार के औचित्य समाप्त भेल आरोप लगौलक अछि। देश में जे छै प्रजातंत्र छै, जनतंत्र व्यवस्था छै, एक
कम देखे अ किसिम से देखे पाबंदी नहीं लगा चाहिए और जै किसिम से सरकार विकास कर बहुत देरी से सरकार विकास हैकमवादी प्रवृत्ति के हिसाब से सरकार से हर एक चीज तो का संदेश देखे जनमानस मिलाई जनता में जाए सतहत्तर जिला में विरोध प्रदर्शन के प्रमुख कारण की है वर्तमान सरकार संघीय गणतांत्रिक व्यवस्था के समाप्त कर तरफ लाग रहा है संहिता के नाश कर लाग रहा संहिता के विरुद्ध में विभिन्न उनके स्टेटमेंट सब है तैं दुआरे देश के संहिता बचावक जो शहीद हुए शहीद के रगत के सरकार अहाँ के व्यवस्था करे चाहे तैं दुआरे आजुक तानाशाही सरकार तानाशाही ढंग से राज्य संचालन की व्यवस्था द्वारा राज्य के कब्जा करे के जो सोच है तो के विरुद्ध और संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था के संस्थागत विकास करे के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य है। विरोध कार्यक्रम में संघीय सांसद स्मृति नारायण चौधरी नेपाली कांग्रेस के प्रदेश दू संसदीय दल के नेता रामस्वरूप यादव जिला सभापति महेश शंकर गिरी उपसभापति संतोष यादव सहित के सहभागिता छल। गृहमंत्री रामबहादुर थापा व्यवस्था विरोधी संविधान विरोधी आ सरकार विरोधी शक्ति सब सक्रिय रहल बतौलन सोम दिन चितवन के भरतपुर विमानस्थल में पत्रकार सब संग बातचीत में गृहमंत्री थापा कोविड के कारण उत्पन्न भेल संकट से संविधान विरोधी आ अखन के व्यवस्था विरोधी सब सक्रिय भेल बतौलन ओ अखन के प्रणाली आ संविधान के उल्टा करबाक अवसर आयल निष्कर्ष सहित राजावादी सब सेहो सक्रिय भेल बतौलन तहिना सरकार विरोधी सब सरकार के विस्थापित करबाक प्रयास कर रहा सेहो ओ बतौलन अइ संदर्भ में प्रमुख प्रतिपक्षी दल सेहो देशव्यापी रूप में सरकार विरोधी प्रदर्शन कहने ओ बतौलन राजावादी सब गणतंत्र के विस्थापित कर राजतंत्र के पुनर्स्थापित कर चाहि रहल आ विप्लव माओवादी सब समाजवादी क्रांति बढ़ाब रहल हुनक कथन छै। भन्ने सरकार विरोधी शक्तिहरू पनि अहिले अब सलबलाइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा प्रतिपक्षले आज देशव्यापी रूपमा सरकार विरोधी चाहिँ प्रदर्शनहरू आज गर्दैछन्। तर हामीलाई के लाग्छ भने यी सबै एउटा मृग तृष्णा हुन् र ती शक्तिहरूले सरकारलाई उल्ट्याउने यो व्यवस्थालाई स्थापित गर्ने जो सपना देखेका छन् त्यो पुरा हुन सक्दैन। चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ उनको यो सपनालाई चाहिँ कदापि ती पुरा हुन दिँदैन। दुईटै व्यवस्था विरोधी शक्ति हुन् तर उनीहरू भिन्नता पनि छ। राजावादीहरू गणतन्त्रको पुनस्थापित गरेर राजतन्त्रलाई पुनस्थापना गर्छ। दोसर प्रसंग में गृहमंत्री थापा पार्टी भीतर देखल गेल विरोध स्वाभाविक भेल सेहो बतौलन। पार्टी भीतर रहकर सरकार के कमजोर बनेबाक प्रयास भ रहल अवस्था में स्थायी कमेटी बैसार बैसल आ वही से समस्या समाधान हेबाक सेहो ओ दावी कयलन। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री हृदय त्रिपाठी देशक राजनीतिक प्रणाली स्थानीय तह के भूमिका पर निर्भर रहल बतौलन। सोम दिन काठमांडू महानगरपालिका के 26वां महानगर दिवस में मंत्री त्रिपाठी स्थानीय तहक भूमिका में देशक राजनीतिक प्रणाली टिकल बतौलन। स्थानीय तहक काम कार्रवाई अखन के व्यवस्था के सफल बनेबाक अथवा औचित्यहीन बनेबाक बात निर्भर रहल सेहो बतौलन। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र केकरो निगाह में अथवा चंदा पुरस्कार में प्राप्त नै भेला से अ के क्यों समाप्त कर नै सकबाक दावी समेत हुनक। कोविड के समय में सेहो स्थानीय तह कयने काम कार्रवाई से संघीयता आवश्यक रहल पुष्टि भ चुकल हुनक कथन छल। कोविड 19 को विरुद्ध को संघर्ष में तपाईहरु बधाई को पात्र हुनुहुन्छ। यसले पुष्टि के गर्यो भने संघीयता को विकल्प छैन। संघीयता मूर्त रूप लिसकेको छ। कतिपयले के भन्छन् भने एउटा कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको निगाहमा अथवा चन्दा पुरस्कारमा प्राप्त भएको होइन। यो असंख्य नागरिकहरुको बलिदान शहादत बाट प्राप्त भएको हो र यो
नेपाली जनता को जनजीवनसँग यति जुटिसकेको छ, भिजिसकेको छ कि यसलाई सामान्य झट्काले यसलाई समाप्त गर्न सकिन्न। यो पुष्टि गर्ने पनि काम यो महानगरपालिकाले गर्दै आएको छ र म यहाँ सबै साथीहरूलाई वडाध्यक्ष लगायतका पुरै परिवारलाई म बधाई दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूको भूमिकामा यस देशको राजनीतिक प्रणाली अडिएको छ। यसको सोच कार्यक्रममै काठमाडौँ महानगरपालिकाकै मेयर विद्या सुन्दर शाक्य काठमाडौँ महानगरपालिका पूरे देशवासीके रहल बतौलने छ। महानगरपालिका 2052 साल अघन 29 गते काठमाडौँके महानगर घोषणा कैल गेल दिन के आधार मान के हरेक वर्ष अहि दिन महानगर दिवस मनबित आयल छै। काठमाडौँ के चंद्रागिरी नगरपालिका में मिनी ट्रक दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। चंद्रागिरी नगरपालिका वडा नंबर 2 में नादू क 323 नंबर के मिनी ट्रक 150 मीटर नीचा खसल है। दुर्घटना में तामांग मरीन कंस्ट्रक्शन के लेखापाल अंदाजी 24 वर्ष के मनीष कार्की आ ट्रक चालक मन कुमार माझी के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक है। दुनू गोटे के घर सिंधुली रहल सेहो प्रहरी जानकारी देलक है। सप्तरी में दू पक्ष बीच भेल झड़प में एक महिला के जान गेल छै। सप्तरी के बोधे वर्षाई नगरपालिका वडा नंबर 3 कसमार टोल में सार्वजनिक पोखर में माछ मारबाक विषय में दू पक्ष बीच सोम दिन झड़प भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। झड़प में पैर 35 वर्षक गंगिया देवी मंडल के मृत्यु भेल प्रहरी के प्रवक्ता भुवनेश्वर शाह जानकारी देलनि अछि। हुनक अनुसार बाँसक भट्ठा प्रहार कयलासँ मंडल के मृत्यु भेल छल। झड़प में आओर 4 गोटे घायल भेल अछि। 55 वर्षक जय नारायण मंडल, 35 वर्षक शोविंद्र मंडल, 18 वर्षक धीरज मंडल आ 45 वर्षक जोगिंद्र मंडल घायल भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। एम्हर घटना में सम्मिलन रहल दोसर पक्ष के 50 वर्षक शिवशरण मंडल, 47 वर्षक विजय मंडल, 22 वर्षक सुरेंद्र मंडल आ 28 वर्षक रवित मंडल के प्रहरी नियंत्रण में लेने छै। पिछला 24 घंटा में आओर 821 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 504 महिला आ 317 पुरुष में संक्रमण पुष्टि भेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 249244 पहुँचल छै। पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण मुक्त भेनिहार के संख्या 842 रहल छै। अखन धरि संक्रमण मुक्त होवला के संख्या 236573 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 18 गोटे के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल छै। अखन धरि वायरस संक्रमण से 1716 गोटे के जान जा चुकल छै। सक्रिय संक्रमित के संख्या 10955 रहल छै। एम्हर प्रदेश तुमे पिछला 24 घंटा में 21 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशालय देने तथ्यांक अनुसार 12 परसा आ सप्तरी में 4-4, सिरहा में 3, महोत्तरी में 3, धनुषा में 1, सरलाही में 1 आ रुथड़ में 1-21 संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश दू में कुल संक्रमित के संख्या 16951 पहुँचल छै। अखन धरि प्रदेश दू में कोरोना संक्रमण से 202 गोटे के मृत्यु भेल छै। प्रदेश दू में सबसे बेसी परसा में 51 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना सप्तरी में 40, सिरहा में 25, बारा में 22, धनुषा में 21, महोत्तरी में 18, सरलाही में 14, रुथहड़ में 10 गोटे के मृत्यु भेल छै। पिछला 24 घंटा में 24 गोटे कोरोना से मुक्त भएका आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि 16323 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छै। अखन धरि प्रदेश दू में 141420 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि मे से 601 स्वाब के नतीजा आब बाकी छै। सरकार वाला सब विद्यालय सुधार के आश्वासन देला बाद सरलाही के कबिलासी स्थित मदनपुर उच्च माध्यमिक के विद्यार्थी सब संघर्ष के कार्यक्रम स्थगित कलक अछि। कबिलासी वड़ा नंबर 6 स्थित मदनपुर जमुनिया बीरनगर उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी सब आंदोलन स्थगित कलक अछि। ओ सब विभिन्न मांग रखैत बीतल 4 दिन से विद्यालय में तालाबंदी कऽ संघर्ष करैत आयल छल। विद्यालय में पढ़ाई से लऽ कऽ हरेक पक्ष कमजोर आ अव्यवस्थित भेल। विद्यालय के भौतिक संरचना जर्जर बनल, शिक्षक अभाव भेल, उपलब्ध शिक्षक सेहो पढ़ाव में लापरवाही करैत आयल आ अध्यापन गुणस्तरहीन तथा अनियमित भेल विद्यार्थी सब के उपराग अछि। तहिना
निमावी के शिक्षक प्लस टू में पढ़वत आयल, दू बरस कंप्यूटर प्रयोगशाला संचालन में नहीं आयल, दू बरस छात्रवृत्ति वितरण नहीं कल गल, पाठ्यपुस्तक वितरण नहीं कल गल, बाहर के गजेड़ी सब विद्यालय में लागू पदार्थ सेवन करत आयल सहित के उपराग करत ओ सब आंदोलन में उतरल छल। तहिना राजनीतिक व्यक्ति के विद्यालय व्यवस्थापन समिति में नहीं राखल जेबाक, विद्यालय के संपत्ति नहीं बेचल जेबाक, विद्यार्थी के सहमति में शिक्षक छनौट कैल जेबाक सहित के मांग से ओ सब राखने अछि। समस्या बढ़ला बाद विद्यालय पहुँचल मेयर कौशल किशोर राय 7 दिन भीतर तत्काल पूरा कैल जाय वाला मांग सब संबोधन हेबाक आश्वासन देने अछि। ओ विद्यार्थी सबक मांग पूरा कर माथत के निकाय के निर्देशन सेहो देने बतौलन अछि। हमसब जे अपने के घंटी के बात रही है उ शिक्षा शाखा हो हमरा सबके है ना ओकरा लगेली वही से अपने के कंटिन्यू जा रहा है सारा घंटी मिला के पठन पाठन केना ठीक होते है ना वही के लिए अपने के शिक्षा शाखा के जिम्मा दे रही। दोसर भौतिक समस्या के लिए हमरा सबके प्राविधिक है ओकरा जिम्मा दिलिये उ देख रहा है अपने के की सब करे के ओकर सारा काज सब आई से स्टार्ट काम हो रहा है। तहिना प्रधान अध्यापक गणेश रॉय सेहो ई विद्यालय बहुत पहिने से विभिन्न किसिम के समस्या भोगत आयल स्वीकार करत समस्या समाधान के लिए अपना सब आगा बढ़ल बतौलन अछि। विगत बहुत दिन से राजनीति कारण कहू अशासकीय कारण कहल जाए भौतिक अवस्था जो सब है यहाँ सबसे बड़का कारण की प्लस टू के शिक्षक के दरबंदी है नियुक्ति न गला के चलते पर जना केना कहल गेलै अपने जे नीमावी पराबी के सरसब प्लस टू में पढ़ित रहलै आ उहो सरसब के यहाँ से सरुआ कर देलकै नगर पालिका एक हफ्ता पहले दरबंदी मिलान के समय सरुआ कर देलकै ओहि चलते विद्यार्थी सब आंदोलन कलकै आब एगो चीज भेला से अब सारा चीज पर भौतिक हरेक आयल है लिखल गया सब जगह से जे आश्वासन भेलै सब कोई हम सब आब मिल के चलब आई के अवस्था है जना आई पर काल तालाबंदी खुल ले आई पठन पाठन एकदम सुचारू रूप से एकदम नियमित से चल रहा है। विद्यार्थी सब 7 दिन भीतर अपन सब के मांग पूरा नहीं भेला पर फिर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देने अछि। चीनी उद्योगी सब माइती घर में आंदोलन कर रहा वहीं किसान वास्तविक किसाने नहीं भेल आरोप लगौलक अछि। सोम दिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में भेल परामर्श में उद्योगी सब मंत्री लेखराज भट्ट के माइती घर मंडला में आंदोलन कराव वाला व्यक्ति सब वहीं किसान नहीं भेल बतौलक अछि। मंत्रालय में पत्रकार सब संग बातचीत करत मंत्री भट्ट उद्योगी सब आंदोलन कराव वाला व्यक्ति सब वहीं किसान नहीं भक बिचौलिया भेल कहने बतौलन अछि। बिचौलिया सब वास्तविक किसान संग सस्ता में भौचर खरीद क आंदोलन कर आयल उद्योगी सब बतौने मंत्री भट्ट जानकारी दिलन अछि। उद्योगी सब शुरू में किसान के भुगतानी द क बाद में मात्र बिचौलिया सब के भुगतानी करबाक बतौने से पत्रकार सब के ओ सुनौने छलथि। समय दिया हो ते भर ये मुख्य समस्या अहिले आएको भने कसको हो भन्दा इन्दिरा सुगर र अन्नपूर्णको हो, अर्को श्रीरामको। मैले अघि भने श्रीरामको अलग प्रकृति छ। अब हामीले उसले एउटा निवेदन मन्त्रालयमा दिएको थियो त्यो चाहिँ मेरो सम्पत्तिभित्रको सुगर मिलभित्रको कम्पनीभित्र भएको सम्पत्तिभित्र 10 बिघा मैले बिक्री गर्न पाएँ भने सबै मैले फर्चौट गर्छु भनेर हाम्रो मन्त्रालयले त्यो सिफारिस गरेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइदिएको थियो। तर यो हदबन्दी ऐनको कारणले त्यो नमिल्ने भनेपछि अब नयाँ ढङ्गले उनीहरूलाई तपाईँहरू किसानको भुक्तानी गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेछौँ। 3 बजे हामीले संयुक्त मिटिङ राखेका छ किसान सङ्घर्ष समितिको पदाधिकारीहरू
यतापट्टि हाम्रो चाहिँ उद्योगीको चाहिँ प्रतिनिधि अध्यक्ष र महासचिवलाई बोलाएका छौँ अनि हामी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहितको बैठक बसेर भोलि के हुन्छ एउटा निष्कर्ष निकालिसकेपछि अगाडि के गर्ने भन्ने कुरो त्यसपछि हाम्रो स्टेप चाहिँ जान्छ। मंगल दिन भिनसर गृह मंत्री रामबहादुर थापा के नेतृत्व में उद्योग मंत्रालय आ कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि परामर्श कक रणनीति बनावल सेहो मंत्री भट्ट जानकारी दिलेन अच्छे। ओ अखन इंदिरा सुगर मिल्स, अन्नपूर्ण सुगर मिल्स आ श्री राम सुगर मिल्स से किसान सबके समस्या भेल सेहो बतौलन अच्छे। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय सृजनात्मक कला आ साहित्य नेपालक धार्मिक सामाजिक आ भौगोलिक एकता के प्रतिनिधित्व करबाक बतौलन अछि। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के 63वां वार्षिक उत्सव तथा राष्ट्रीय कविता महोत्सव 2077 के अवसर में सोम दिन काठमांडू में पर्यटन मंत्री भट्टराय साहित्य आ कला के माध्यम से देशक एकता के प्रतिनिधित्व क सकबाक बतौलन अछि। साहित्य आ कला के माध्यम से देश में जातीय सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता आ भौगोलिक एकता कायम राखल जा सकबाक हुनक कहब अछि। जातीय सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, भौगोलिक एकता कायम राख्दै नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने काम नेपाली जनसमुदायले गर्दै आएको छ। त हाम्रो साहित्यहरू पनि हाम्रा सृजनात्मक कलाहरूले पनि नेपालको यही एकतालाई प्रतित्व गर्दै आएका छन्। यहाँ जस्तो विद्वान व्यक्तिहरू समाजलाई जहिले पनि प्राज्ञिक कवि सबद्वारा समाजक अग्रगामी विषय सबके कलम के माध्यम से उठाव आओर भूमिका निर्वाह कैल जेबाक सेहो मंत्री भट्टराय बतौलन। प्राज्ञिक व्यक्ति सब समाज के सही मार्गदर्शन देव सकला से देशक एकता के बढ़ेबाक विषय में कलम चलाव सुझाव सेहो ओ देलन अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभरि पसरल कोरोना भाइरसके कारण मृतकक संख्या 16,20,967 पहुँचल अछि। संक्रमितके संख्या विश्वमे 7,27,56,494 पहुँचल अछि। संक्रमितमे सँ 5,09,84,201 गोटे इलाज बाद ठीक भेल छै। कोरोना भाइरससँ सबसँ बेसी अमेरिकामे 3,06,559 गोटेके मृत्यु भेल छै। ओतः 1,67,00,000 से बेसी संक्रमित रहल छे। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,81,419 गोटे के मृत्यु भेल छे। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,43,400 गोटे के मृत्यु भेल छे। भारत में 98,00,000 से बेसी संक्रमित रहल छे। मेक्सिको में 1,13,953 गोटे के मृत्यु भेल छे। तहिना बेलायत में 64,170, इटली में 64,520 गोटे के जान गेल छे। तहिना का सऊदी में 6,059, यूएई में 618, मलेशिया में 419 आ कतार में 240 गोटे के मृत्यु भेल छे। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। नेकपा के सरकार जनहित में काज नहीं केने कहत कांग्रेस से सोम दिन देश भर प्रदर्शन। कांग्रेस रहधिर नेकपा के सर्वसत्तावाद आ राजा के अधिनायक वाद नहीं अयबाक देवा के दावी। सरकारी गणतंत्र ऊपर प्रहार करहल पौड़ेल के आरोप। संविधान आ सरकार विरोधी शक्ति सब सक्रिय भेल गृहमंत्री थापा के कथन। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 18 गोटे के मृत्यु। सोम दिन और 821 गोटे में कोरोना। आ काठमांडू में आंदोलन कर रहल 19 किसान सब वास्तविक किसाने नहीं भेल चीनी मिल मालिक सबक आरोप। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।